आज की जो ये वीडियो मैंने बनाई है ये एक कॉलेज को एक्सपोज करने के लिए है। ये कॉलेज अभी मैं आपको सारे नाम और सारे फैक्ट्स सबूत सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, जैसे जैसे बातें बताऊंगा सारी चीज़ें सामने आती जाएंगी। और ये कॉलेज कब से अपनी ऐसी फंक्शनिंग कर रहा है, कब से बच्चों को मैनिपुलेट करके पहले कुछ और बताता है, उनकी फैकल्टीज पहले कुछ और बताती हैं और बाद में कुछ और निकलता है, तो बिना कुछ डिले किए शुरू करते हैं। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं तो मैं बिल्कुल एकदम फैक्ट्स सच्चे मतलब बिल्कुल सामने रख सकता हूँ, ये चीज़ें हैं और मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ उस चीज़ की, क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं, उन सबूत के बेसिस पे ये बोल रहा हूँ। तो ये कॉलेज है सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज चिन्हट। ये बात 2017 की है, तब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। वहाँ मैं गया तो फैकल्टीज मुझे सारी चीज़ें समझाई, कुछ चीज़ों को छोड़ के जिसके बारे में आपको बाद में बात करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक एक चीज़ समझाई, बेनिफिट्स ये यहाँ यहाँ से प्लेसमेंट्स आते हैं, मतलब पूरा बढ़ा चढ़ा कर एडमिशन दिलवा दिया। मैंने फीस पे कर दी, ओके, और यही चीज़ फंसती है। मैंने फीस पे कर दी, हमने कॉलेज आना शुरू किया, कुछ दिन तक आए, एक दो दिन में मुझे समझ में आ गया था, लेकिन थोड़ा मैंने सोचा कि और एक्सपीरियंस करते हैं, क्या पता फैकल्टी अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी होती हो, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब। लेकिन फिर मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ का ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना यहाँ की फैसिलिटी अच्छी है, तो इतनी हाई फीस कैसे हो सकती है। तो मैंने रेगुलर में एडमिशन लिया था पहले ही, मैंने तो ये सोच कर लिया था भाई मेरे 80% से ऊपर हैं तो मुझे रेगुलर में ही एडमिशन मिला होगा। तो मैंने एडमिशन जब लिया था तो मुझे जब मैंने इनकी वेबसाइट जब चेक की तो मुझे पता चल रहा है कि रेगुलर में इनकी फीस है 10,000 पर सेमेस्टर और सेल्फ फाइनेंस में 20,000 पर सेमेस्टर। और जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझसे फीस की डिमांड की गई थी 30,000 और जिसका इन लोगों ने मुझसे लिया 20,000 और कहा कि बाकी का बाद में पे करना। तो मैंने जब इन लोगों को उस 30,000 का 20,000 दिया तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्काउंट मांगने कुछ मिलेगा। तो डिस्काउंट के नाम पे जो उस कॉलेज के ओनर की वाइफ है जो एज ए मैनेजमेंट के फॉर्म में कोई ऑफिस में बैठती रहती है कभी कभी, तो कुछ उनकी भी पोस्ट है, तो उन्होंने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। और उस 1,000 रुपये के डिस्काउंट के लिए जब मैं गया, जब मैं फीस पे कर रहा इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ, थोड़ा बैक स्टोरी वापस आ गया मैं, तो जब मैं गया तो उन्होंने क्या किया, मैंने जब उनको बताया कि 1,000 रुपये उन्होंने लेस करने का है, तो उस अकाउंटेंट ने जो भी मेरी फीस रिसीव कर रहा था उसने क्या किया कि 1,000 लेस किया और मुझसे 19,000 लिए और नीचे दिखा दिया पेंडिंग में 11,000। मतलब ये हुआ कि मैंने 30,000 का एक हिस्सा दिया जो 19,000 और 11,000 अभी देना बाकी ही है, तो क्या आपने डिडक्शन दिया मुझे। तो ऐसे तो ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मेन बात अभी ये नहीं है कि ये लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, छोटी चीज़ है तो बहुत 1,000 का ये हुआ। मेन बात यहाँ जाके फंसती है, जब मैंने उनकी वेबसाइट चेक की तो वहाँ जैसा मैंने आपको बताया 10,000 और 20,000, तो 10,000 रेगुलर फीस होनी चाहिए थी, यानी कि मेरी भी 10,000 ही फीस होनी चाहिए थी। तो मुझे ये 30,000 बता के क्यों लिया, मुझे 30,000 तब तक नहीं पता चला था जब तक मैंने फीस पे करके रिसिप्ट पे नहीं चेक किया कि 11,000 पेंडिंग। और उन्होंने मुझे बाद में बताया जब मैंने ये बहस की उनसे कि मुझे अपनी फीस वापस चाहिए, मैं कॉलेज में नहीं रहना चाहता हूँ और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अपना एडमिशन, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तो आपने फीस दी ही 20,000 है, अभी तो आपको 10,000 और देनी है, एक्चुअली फीस 30,000 पर सेमेस्टर है इस कॉलेज की। उन्होंने मुझसे ये बताया है अपने अपने मुंह से, विजय श्रीवास्तव ने ये कहा है कि विजय श्रीवास्तव जो कि ओनर हैं उन्होंने मुझसे ये कहा है कि एक्चुअल फीस 30,000 पर सेमेस्टर है इस कॉलेज की बीबीए की फीस और आपने 20,000 ही दिया है। वो इतने प्यार से बात नहीं करते, वो बहुत बदतमीज आदमी है और इस बात से चिन्हट पुलिस भी बहुत अच्छे से वाकिफ है, तो ये बाकी किस्सा मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मैंने जब चेक किया मुझे ये पता चला तो मैंने एडमिशन अपना वापस ले लिया और फीस रिफंड की डिमांड की और मैं चला गया। मैं जब दोबारा गया तो पता चला मुझे कि ये लोग वापस नहीं करने वाले, इन्होंने अच्छे से मुझे मैंने कहा कि कमेटी बिठाई जाएगी, चेक किया जाएगा कि सब ठीक है, आपका रेगुलर में हुआ था कि नहीं हुआ था सेल्फ फाइनेंस में, ये वो मुझ पर थोपने लगी आपने सेल्फ फाइनेंस में लिया। अगर सेल्फ फाइनेंस में भी लिया तो मेरी फीस 20,000 होनी चाहिए थी, 30 नहीं। तो उसके बाद इन्होंने सारे मुझे बेवकूफ बनाया, उसके फिर मुझे वापस भेजा कि अगले दिन आइए। मैं फिर गया तो फिर वही इनका रूड बिहेवियर, वो बदतमीजी से भगाने लगा। मैंने बोला कि मैं ऐसा है, मैं FIR कर दूंगा आपके अगेंस्ट, या तो मेरी फीस वापस कर दीजिए क्योंकि आपने मुझे एक तो मैनिपुलेट करके झूठ बोल कर एडमिशन लिया है, और या तो मैं FIR कर दूँ। उन्होंने कहा जो करना कर लो, हम लोग नहीं वापस करने वाले, जाओ। जब मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी यही कहा कि बस आप एक FIR करा दो, ये बहुत बदतमीज आदमी है,
हम लोग को बस एक मौका चाहिए, इसको हम मारते पीटते ले आएंगे। ये सबके साथ यही करता है, और पुलिस से भी बहुत बदतमीजी से बात करता है। तो उसके खिलाफ मैंने FIR क्या एप्लीकेशन डाली थी। फिर मेरे फैमिली वाले समझाया कि तुम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो दूसरे कॉलेज में अभी मैं बहुत लेट ले रहा था, तो उसमें एग्जाम्स आने वाले थे, तो ना क्या कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओगे, पुलिस वुलिस का चक्कर, रोज तुम्हें आना जाना पड़ेगा। एक्चुअली जाना पड़ता था मुझे हर आए दिन। तो कहते थे घर वालों ने कहा कि एडमिशन ले रहे हो, एग्जाम आ रहे हैं, अभी छोड़ दो, बाद में देखा जाए। तो इसलिए वो मुद्दा साल भर खिंच गया। जब मैं वापस गया उनसे मांगने अपनी फीस, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस रिसिप्ट पे लिखा हुआ है फी इज नॉट रिफंडेबल। तो ये सब कुछ जायज होता अगर वो फीस इज नॉट रिफंडेबल, अगर ये वर्ड मुझे कहीं और बहुत पहले ही दिख जाता, तो उसको देखने के बावजूद मैं फीस पे करता, तो ये समझ में आता बिल्कुल लॉजिकल कि ये लिखा है, मैंने देख लिया था, उसके बाद मैंने फीस पे की, अब ये फीस वापस नहीं होगी। इनका धोखा यही है कि ये चीज उन्होंने पहले कहीं मेंशन नहीं की थी, और जब मैंने ये बात उनकी वाइफ से बताई कि मैम ये कहीं मेंशन नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो बिल्कुल गुस्सा आ गई। उनके साथ कोई और लोग बैठे थे, कुछ पैसे वैसे की बातें चल रही थी, कोई उन्हें कुछ पैसा वैसा भी दे रहा था, मैं ये बात बोल रहा हूँ सामने। और तो उन्होंने मुझे भगा दिया अपने ऑफिस से कि फीस वापस नहीं होगी, बच्चे को भगवा। जब मैंने उनको ये वेबसाइट वाली बात बताई कि वेबसाइट पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपने मुझसे ये क्यों लिया, तो वो लोग मुझे अपने इधर से इस ऑफिस से उस ऑफिस दौड़ाने लग गए। कोई कंक्लूजन नहीं निकला। एक ऑफिस में मुझे पता चला कि चलिए आप बताइए कितने परसेंटेज थे आपके, आपने किस पे एडमिशन लिया था, रेगुलर सेल्फ फाइनेंस। जब उन्हें पता चला कि रेगुलर पे लिया था, तो वो फिर एग्री करने लगे कि चलिए ठीक है आपकी फीस ज्यादा ले ली गई हो, लेकिन तब भी उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो मतलब एक तरीके से कॉलेज के मैनेजमेंट ने मेरी कोई हेल्प नहीं। अभी कोई भी इंसान लॉजिक से अगर सोचता है तो उसको ये पता चलेगा, अगर मैंने फीस पे की है और वहां से रिसिप्ट में लिख के आ रहा है कि फीस इज नॉट रिफंडेबल, तो अब तो पैसा उनके पास चला गया है, और अब अगर मैं कहता भी हूं तो वो मुझे वही रसीद दिखाएंगे बार बार। तो उस रसीद में अगर लिखा भी है तो उसका क्या लॉजिक बनता है, मैंने फीस पे कर दी है। एक इलॉजिकल चीज आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो इस कॉलेज ने की, कि इन्होंने क्या किया कि जो फीस इज नॉट रिफंडेबल शब्द है, ये इन्होंने कहीं यूज नहीं किया, सिर्फ उस जगह पे यूज किया जब इन्होंने फीस लेने के बाद जो रिसिप्ट काटी, उस रिसिप्ट पे लिखा हुआ था फीस इज नॉट रिफंडेबल। अब आप पैसा ले चुके हो और उसके बाद दिखा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अब किसी पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। आप लॉजिकल काम ये करते कि आप अपने पैम्पलेट्स पे या बुक्स पे या कहीं ना कहीं पहले या फिर फैकल्टी के थ्रू जानकारी दिलवा देते तो सही रहता, लेकिन मुझे किसी फैकल्टी ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी। यहां तक कि लापरवाही देखिए कि किसी फैकल्टी ने मुझसे ये तक नहीं पूछा मेरे परसेंटेज कितने थे, बस मेरे रिपोर्ट कार्ड कुछ भी मांगे, कुछ चेक नहीं किया, जो था जैसा था उन्होंने ले लिया, कोई ओरिजिनल कॉपी कुछ नहीं मांगी, सबकी फोटो कॉपीज मांगी, केयरलेस वे में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की सबने, और बस उन्हें पैसे से मतलब था, उन्होंने पैसा ले लिया। और पैसे से मतलब था ये प्रूफ करता है उनकी इस हरकत को, कि जब मैंने उनकी मैडम से जब डिस्काउंट के लिए कहा, तो उन्होंने कहा 1,000 माफ कर रही हूँ, 1,000 माफ किया, और उनके अकाउंटेंट ने क्या किया कि 1,000 ड्यू दिखा दिया। मतलब 30,000 में से 19,000 मैंने पे किया है और 11,000 अभी देना बाकी है, तो मेरा 1,000 डिस्काउंट कैसे हुआ। इतना ये लालची कॉलेज है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रही, ये बहुत लोगों के साथ हो रही होगी, कोई सामने नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ हो नहीं रही होगी। तो ये मेरे साथ हुई है, मेरे पास प्रूफ है, और मैं चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ जांच करे और पता लगाए कि कितना घोटाला, घपला, चोरी, करप्शन ये कितना करता होगा ये आदमी, और इसको तो जेल के पीछे होना चाहिए। मजे की बात तो ये है कि जब मैंने जन सुनवाई जो यूपी गवर्नमेंट का ऐप है उस पर एप्लीकेशन डाली इसके खिलाफ, तो कुछ दिन बाद रिप्लाई आता है उसी ऐप पे, इस फोटो होती है कि उसमें लिखा होता है कि सिटी कॉलेज की तरफ से और विजय श्रीवास्तव के सिग्नेचर्स होते हैं उस पर, लिखा है कि मैंने यू नो इनकी वर्किंग्स में बाधाएं डाली और धमकाया, डराया और कॉलेज को डिफेम करने की कोशिश की और धमकियां दी, मतलब सेंसलेस चीजें उसने मेरे खिलाफ लगा दी, और बोला कि मेरे लिए ही एक्शन लो, मतलब मेरे अगेंस्ट एक्शन लो। तो एट द एंड मैं पॉइंट के फॉर्म में ये चीजें रखना चाहता हूँ। पहली, वो स्कूल रसीद जो मुझे मिली थी मेरी फीस पे करने के बाद, जिसमें लिखा हुआ था कि 90,000 रिसीव हो चुके हैं और 11,000 देने बाकी हैं, ठीक है ये अभी खराब हो चुकी है और इसमें बहुत सारी चीजें धुंधली धुंधली दिख रही, क्योंकि पुराना हो गया साल भर का, मैंने फोल्ड करके रखा था। दूसरा प्रूफ ये कि इनकी वेबसाइट पे, जो कि उन्होंने कुछ दिन बाद वो वेबसाइट पे ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन मिटा दी थी मेरे ये कंप्लेंट के बाद,
तो उन्होंने वेबसाइट पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके तभी का रखा हुआ था, और आप पूरी डिटेल देख सकते हो। मैं अगर कभी कोई मुझसे मिले तो मैं पूरा चेक करा सकता हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट ये मतलब इसमें ये प्रूव करता है कि 10,000 फीस लिखी है रेगुलर के लिए और 20,000 लिखी है सेल्फ फाइनेंस के लिए पर सेमेस्टर। तो अगर 10,000 थी तो मुझसे 30,000 क्यों लिया गया? और 30,000 के नाम पे, सॉरी 30,000 लिया नहीं है, 30,000 के हेड में मुझसे 20,000 लिया गया, जिसका 1,000 सो कॉल्ड डिस्काउंट पे मैंने 19,000 दिया और 11,000 पेंडिंग था। तीसरी चीज, वो एप्लीकेशन जो मैंने पुलिस को सबमिट की थी वो यहाँ है। तो ये तीनों प्रूफ हैं कि ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं। एक्चुअल में क्या था, मुझसे क्या लिया गया, उसके बाद जब भी वो रिफंड की बातें मैं करता हूँ तो मुझे ना बेवकूफ बना के बातें सुना के और मुझे पे इल्जाम लगा कि मैं डिफेम कर रहा हूँ कॉलेज को और बाधा बन रहा हूँ, रुकावट वगैरह वगैरह, पूरा लेटर भेजा गया। और वो ये लेटर है जिसमें पूरा यू नो रिप्लाई के फॉर्म में सिटी कॉलेज से मुझे लेटर आया उसी ऐप पे जनसुनवाई कि मैं ये चीजें गलत कर रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जल्दी जल्दी फैलाओ ताकि इस कॉलेज के अगेंस्ट कोई ना कोई अच्छा एक्शन हो और जो भी ये फ्रॉड करता रहता है इसके बारे में पता चले।